किसान का सपना। एक बार कालेश्वर नामक के गांव में कृष्ण वीर प्रसाद नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र के नामकरण के दिन उसको हरि प्रसाद का नाम दिया गया। गांव के सारे संत, ज्योतिषी और धार्मिक साधु जो इस नामकरण के उत्सव पे आए थे, सबों ने ये बोला कि हरि प्रसाद बड़ा होकर अपने परिवार की संपत्ति को दिगुना कर देगा। कृष्णा और उसकी पत्नी इस वरदान को लेकर बहुत प्रसन्न हो गए। अब बचपन से ही हरि प्रसाद ये सुनते आ रहा था कि उसके कारण परिवार की संपत्ति दिगुना हो जाएगी, तो वो बहुत अमीर बनने के सपने देखते देखते बड़ा हुआ। उसकी इच्छा थी कि वह कई जमीनों का मालिक बनेगा और भोरी भोरी पैसे कमाएगा। हरि प्रसाद 21 साल का हो गया जब उसके पिता ने घर और कारोबार की सारी जिम्मेदारी उस पर सौंप दी और उसका विवाह भी करवा दिया। काम की जिम्मेदारी लेने के बाद वह आलसी बन गया। फसल की देखरेख करने के बजाय वह खेत में आराम करता था दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए। इसी तरह दिन बीत गए और अंत में सब खराब हो गया। कृष्ण वीर प्रसाद ने ये देखा और अपने बेटे को बुलाया। हरि प्रसाद, मुझे लगा तुम उत्तम रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाओगे और घर गृहस्थी अच्छे से संभालोगे। मैंने तुम पे विश्वास किया कि तुम मेरा नाम रखोगे, पर तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। पिताजी, आप सब लोगों ने ही तो कहा था कि मेरे जन्म की वजह से इस परिवार की संपत्ति दिगुना हो जाएगी। मैंने ना आपका नाम खराब किया ना कुछ। मैं तो हर रोज समय पे खेत पे भी जाता हूँ। ओह मेरा भोला बेटा, अगर तुम दिल और दिमाग लगाकर काम करोगे तभी हमारी अच्छी फसल उगेगी ना। अगर तुम केवल खेत पर जाकर कुछ भी नहीं करोगे तो फायदा कहाँ से आएगा? अगर तुम ऐसे ही करते गए तो हमारा पैसा, खाना, धन सब खत्म हो जाएगा। अभी तो जागो और अपना कर्तव्य निभाओ। हरि प्रसाद को अपने पिताजी की बात समझ आ गई। मैंने इतने दिन बर्बाद किए, इतनी छोटी सी बात थी और मुझे समझ नहीं आया। बिना काम किए मैं परिवार की संपत्ति को दिगुना कैसे कर सकता हूँ? पिताजी, मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरा विश्वास करिए। हरि प्रसाद ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और चला गया। अपने वादे के अनुसार हरि अब रोज खेत पर जाकर काम को अच्छे से देखने लगा और सुनिश्चित किया कि मजदूर ठीक से काम कर रहे थे या नहीं। सबसे बेहतरीन फसल लाने के लिए हरि प्रसाद अलग अलग तरीके सोचने लगा खेती बाड़ी करने के लिए। उसकी पत्नी ने उसको कठोर परिश्रम करते देख उसके लिए भोजन ले जाने लगी खेत पर। फिर उसने अपने ससुर जी के सामने भी हरि प्रसाद की बहुत प्रशंसा की। जब पिताजी ने भी ध्यान दिया तो उन्होंने भी अपनी तरफ से खेती के लिए बेहतर मशीनों का प्रबंध किया। पर हरि प्रसाद अपने सपने के बारे में नहीं भूल पाया जो वो बचपन से देख रहा था। उसने देखा कि उसकी अच्छी खासी फसल निकलने लगी। उसको अनाज और बीज के 100-100 भोरियां निकलने लगे। परंतु हरि प्रसाद संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसका सपना और भी बड़ा था। वह अपने सपने को सच करना चाहता था परंतु वैसा हो ही नहीं रहा था। हालांकि बाकी के लोग तो बहुत खुश थे। हरि प्रसाद से बात करने गए पर वो खुश ही नहीं था। उसके पिताजी की प्रशंसा भी काफी नहीं थी उसका मन बदलने के लिए। हरि प्रसाद बेटा, जरा देखो सब कितने खुश हैं। पर तुम इतने उदास क्यों हो? पिताजी, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा सपना कुछ अलग था, इससे भी बड़ा। मैं खुश हूँ ही नहीं। हरि प्रसाद, जितना भी हमारे पास है उससे हम सब खुश हैं। तुम कुछ ज्यादा ही प्राप्त करना चाह रहे हो। हमारी फसल बहुत अच्छी है अभी। अपनी उम्मीदें इतना भी मत बढ़ाओ।
नहीं तो जो है उसको भी खो दोगे। परंतु हरि प्रसाद वैसा ही रहा। वह और धन कमाने की कोशिश करता गया और 10 गुन ज्यादा धनवान भी बन गया। सबको दिख रहा था कि हरि प्रसाद ने अपने सपने को पूरा किया था, पर इस बात का एहसास खुद हरि प्रसाद को ही नहीं था। अब क्योंकि वह अपनी कमाई से खुश नहीं था, वह अपने परिवार के साथ कभी भी समय बिता नहीं पाया और जीवन भर असंतुष्ट ही रहा। एक समय की बात है, बाजार में था एक घड़ी का दुकान। उस दुकान में प्रदर्शन पर कई प्रकार के घड़ियां थी। घड़ियां हमेशा इस प्रतीक्षा में रहते थे कि उनको कब कौन खरीद के ले जाएगा। परंतु उस दुकान में था एक आलसी घड़ी जिसको किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ दुकान पर आया। इतने प्रकार की घड़ियों को देखकर वह आश्चर्य रह गया। पापा देखो कितने अच्छे घड़ियां हैं इधर। हाँ हाँ हम बहुत अनोखे हैं। देख लेना रामू मुझे ही चुनेगा। रामू सोच रहा था कि अब वह कौन सी घड़ी को चुने। मुझे चुनो। नहीं नहीं मुझे चुनो। नहीं रामू इधर देखो मुझे चुनो। सारे घड़ियां बेचैनी से देख रहे थे कि रामू किसे चुनेगा, लेकिन वो एक आलसी घड़ी आंखें बंद करके बेपरवाह रहा। रामू को लगा जैसे उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। पापा आपको कुछ सुनाई दिया क्या? रामू के ऐसे बोलते ही सारे घड़ियां चुपचाप हो गए। रामू एक एक करके सब घड़ियों को देख रहा था तो एक कोने में उसे वो आलसी घड़ी दिखाई दी। रामू उसकी ओर जाने लगा। पीछे से बाकी घड़ियां हैरान हो गए। बच्चे उसके पास क्यों जा रहे हो, उसको मत चुनो। हाँ वो बहुत ही चिड़चिड़ा है, हमें चुनो, हम चुपचाप से तुम्हें समय बताएंगे। जैसे रामू उस घड़ी के पास गया, घड़ी ने अपनी आंखों को टेढ़ा कर लिया ताकि रामू उसको ना चुने। प्रार्थना करने लगा कि अब रामू उसे खरीद ना ले। हे भगवान यहाँ बहुत शांति है, जब मन करे आराम से सो सकता हूँ, कुछ तो करो भगवान। परंतु रामू को यही घड़ी पसंद आई। अरे पापा जी अपने बेटे को मना कर दो, सोचा आलसी घड़ी ने। अच्छा तो आखिर में तुमने इसी को चुना, देखते हैं कब तक रह पाओगे इसके साथ। बहुत जल्द इससे तुम तंग आ जाओगे और भागते हुए वापस आके मुझे ही ले जाओगे। बेटा तुम्हें ये घड़ी पसंद आई, अच्छी पसंद है तुम्हारी। रामू अपनी पसंद से बहुत ही प्रसन्न था। घर जाकर उसने अपने बिस्तर के बाजू में इस अलार्म घड़ी को अच्छे से रख दिया। हर रोज रामू घड़ी को साफ करता था और ध्यान से रखता, परंतु घड़ी रामू पर चिढ़ता ही रहा। एक रात रामू रोज की तरह घड़ी को साफ करके अलार्म सुबह के 7 बजे के लिए रखा और सो गया। रामू के सोने के बाद धीरे से घड़ी ने अलार्म का समय 8 बजे में बदल डाला। अगली सुबह अलार्म की घंटी 8 बजे बजी और रामू झट से जाग गया। समय देखा तो आश्चर्य रह गया। मैंने तो 7 बजे के लिए रखा था, 1 घंटा देर से कैसे बजाइए? गलती से मैंने ही रखा होगा। उफ, बहुत देर हो गई, पापा गुस्सा करेंगे। रामू जल्दी जल्दी तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल पड़ा।
उस रात फिर से रामू ने ध्यान से 7 बजे के लिए अलार्म रखा और सोने चला। अब मैं कल समय पे जागूंगा। घड़ी ने रामू का गहरे नींद में जाने तक इंतजार किया और फिर धीरे से अलार्म 8 बजे के लिए बदल दिया। अगली सुबह रामू देर से जागा और हैरान रह गया। पीछे से रामू के पापा उसे पुकार रहे थे क्योंकि स्कूल के लिए देर हो चुकी थी। रामू ने सोचा, आज रात तो मैं पता करके ही रहूंगा कि ये हो क्या रहा है। उस रात रामू ने फिर से अलार्म 7 बजे के लिए रखा और बिस्तर पर लेट गया। अब मैं देखता हूँ कि बीच रात में कौन आके समय बदल रहा है। रामू सोया नहीं, बस सोने का नाटक कर रहा था। घड़ी को लगा कि रामू सो गया और वह धीरे से समय को बदलने लगा। रामू को कुछ आवाज सुनाई दी और वह आश्चर्य रह गया। चुपके से आंखें खोलकर नजर डाला तो रामू ने देखा कि ये घड़ी खुद ही अपने कांटों को हिलाकर समय को बदल रहा था। अगली सुबह जब अलार्म 8 बजे को बजा, उफ, ये घड़ी तो बकवास है, इसको तो मैं कचरे में फेंक दूंगा। कूड़े में धूल से भरा बैठे रहने दो इसे, पूरा का पूरा बंद ही हो जाएगा। फिर मैं अभी पापा को बोलता हूँ। रामू की बातें सुनकर घड़ी परेशान हो गया। रामू रुको, मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता है मैंने गलत किया, कृपया मुझे कूड़े में नहीं डालना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर सुबह समय पे जगाऊंगा। रामू घड़ी को देख के हंसने लगा। चलो तुम्हें एहसास तो हुआ, परंतु इतना काफी नहीं है, तुमको एक और काम भी करना पड़ेगा। मैं कुछ भी करूँगा, बोलो। तुम्हें मेरा दोस्त बन के रहना होगा, ठीक है? अलार्म घड़ी ने मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाई। आज से तुम्हारा नाम टिकटॉक होगा और हम दोनों पक्के दोस्त बन के रहेंगे। उस दिन से हर रोज घड़ी रामू को सही समय पर जगाने लगा। दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया, साथ साथ पढ़ा लिखा, हंसा और सोया, खुशी से दिन गुजारे। जादुई घड़ा। एक गांव में चंद्रा नामक एक आदमी रहता था। वह एक अमीर परिवार से था, परंतु उसने अपने परिवार की सारी संपत्ति खो दी। इस नुकसान के कारण वह अपने गांव के पास वाली जमीन पर अपने परिवार के साथ बस गया, जहां वो खुद सब्जी उगाता था। उसकी पत्नी मिट्टी के पुतले बनाती थी। कुछ साल बाद चंद्रा की सेहत भी कमजोर होने लगी। एक दिन उसने अपने 2 आलसी जुड़वा बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम लोगों को तो पता ही है मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, और कब तक तुम लोग बिना काम किए जियोगे? जब तक मैं तंदुरुस्त था मैंने तुम लोगों का ख्याल रखा, पर अब तुम्हारी माँ भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। कृपया अब से काम पे लग जाओ और मेहनत करो। चंद्रा ने भरे मन से अपने बेटों को ये बात समझाने की कोशिश की, परंतु लड़कों ने उनकी बात टाल दी, बस एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और चले गए। चंद्रा परेशान था कि उसके बेटे उसके बातों को कोई भाव नहीं दे रहे। उसको लगा
कि अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बेटे ऐसे ही रहेंगे और फिर कल को समाज में नहीं रह पाएंगे। मेरे बच्चों, कई साल पहले हमारे पूर्वज राजमहल में रहा करते थे। उस महल के पीछे एक कमरा है जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है। चाबी ले जाओ और सारे कीमती चीजों को ले आओ। ध्यान रहे कि तुमको कोई ना देखे। दोनों बेटों ने बहुत ही उत्साह से अपने बापू की बात सुनी। उनसे अब रहा नहीं गया ये जानने के लिए कि उस कमरे में है क्या। जब वे वहां पहुंचे तो उनको केवल एक मिट्टी का घड़ा मिला। अरे, जब बापू ने बोला कि यहाँ कुछ खजाना है, मुझे लगा कुछ हीरे मोती होंगे, परंतु इधर तो केवल ये मिट्टी का घड़ा है। हाँ, सही बात, अब क्या करें? वैसे भी हम इतनी दूर आए हैं, चलो इसी को ले जाते हैं। लड़के घर वापस आए घड़े के साथ और अपने बापू को सौंप दिया। ये मिट्टी का घड़ा बहुत ही अनोखा है। मुझे इसका जादू नहीं पता, परंतु ये घड़ा तुम लोगों का जीवन ही बदल डालेगा, इतना तो पक्का पता है मुझे। लड़कों ने बापू की बात ध्यान से सुनी और अंदाजा लगाने लगे कि इस घड़े का इस्तेमाल कैसे करें। बहुत कोशिश की, परंतु इस घड़े का जादू समझ नहीं पाए। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे ने एक फूल उखाड़ा, सूंघा और फिर नीचे फेंक दिया। फूल उस घड़े में गिर पड़ा। पास में बड़ा बेटा पौधों को पानी दे रहा था, तो अचानक से उसने देखा कि वो घड़ा फूलों से भरा हुआ था। क्या? पानी डालने पर इतने सारे फूल खिल उठे? चलो हम इनको बेच के खूब पैसे कमाएंगे। दोनों बेटे बाजार गए और सारे फूल बेच दिए। अपनी कमाई लेकर घर वापस आ गए। जब उनको घड़े की विशेषता का एहसास हुआ तो वे बहुत खुश थे। दिन पे दिन वे घड़े का जादू का इस्तेमाल करने लगे। बहुत सारे सब्जी और फूल बेच के पैसे कमाने लगे। परंतु उन्होंने समझदारी से उन पैसों को नहीं संभाला। कुछ दिन और गुजर गए ऐसे ही पैसे रद्दी करते करते। उनको घड़े की जादू की आदत पड़ गई और इसी चक्कर में बाकी सब्जी और पौधों को नजरअंदाज कर दिया। चंद्रा ने देखा कि उनके बेटों का व्यवहार दिन पे दिन बिगड़ रहा था, तो एक दिन उन्होंने उस घड़े को छिपा दिया। रोज की तरह दोनों बेटे घड़े को लेने आए, परंतु उनको वो मिला ही नहीं। हर जगह ढूंढा तब भी नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि पैसे के बिना जीवन कितना कष्ट है, तो आखिर में वे खुद सब्जी उगाना शुरू किए। अब रोज बड़ा बेटा सब्जी उगाता था और छोटा बेटा फूलों का ध्यान रखता था। जो कुछ थोड़ा बहुत फसल निकलती थी उसको बेचकर पैसे कमाते थे। मेहनत से जो भी उनको मिलता था अब वे समझदारी से खर्च करने लगे। चंद्रा ने अपने बेटों में सकारात्मक बदलाव देखकर उनको वो जादुई घड़ा वापस कर दिया। तुम दोनों ने इस जादुई घड़े का गलत इस्तेमाल किया था। ये घड़ा तुम्हें कठिन समय में काम आएगा और इससे कमाया गया धन को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने तुम दोनों का व्यवहार देखकर तुम्हें सीख देना चाहा था, इसीलिए मैंने ही इस घड़े को छुपाया। अब तुम लोग समझदार हो गए हो,
इसीलिए तुम्हें ये वापस सौंप रहा हूँ। भविष्य में इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना। दोनों बेटों ने अपने बापू की बात मानी और वचन दिया कि केवल संकट काल में ही उस घड़े का उपयोग करेंगे।